आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऑन 1 अप्रैल 2012 कामिया लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। यानी कामिया लिमिटेड स्टार्ट हुई है, फॉर्म हुई है कितने कैपिटल से, 40 लाख से, जो डिवाइडेड है कितने शेयर पे, 4 लाख शेयर पे, और पर शेयर का प्राइस कितना है, ₹10 ईच। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,80,000 इक्विटी शेयर। यानी कंपनी ने पब्लिक में ऑफर कितना किया, यानी इशूड कितना कर रही है कंपनी, 3,80,000 शेयर। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 3,60,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने ऑफर तो किया पब्लिक को 3,80,000, लेकिन कंपनी को मिला कितना है शेयर, 3,60,000 शेयर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वेयर कॉल्ड। कंपनी का एक शेयर कितने का है, ₹10 का, लेकिन कंपनी ने फर्स्ट ईयर में मांगा कितना है, ओनली ₹8। ओके, दीप्ति होल्डिंग 3,000 शेयर एंड दिव्या होल्डिंग 6,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, दो शेयर होल्डर है, एक दीप्ति है जिनके पास होल्ड किया हुआ 3,000 और दिव्या ने होल्ड किया हुआ कितना 6,000 शेयर, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, दिव्या शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। कंपनी ने दिव्या के शेयर को क्या किया, फॉरफिट कर ली। ठीक, कब, आफ्टर फर्स्ट कॉल। लेटर ऑन 5,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट ₹6 पर शेयर ₹8 कॉल्ड। कंपनी ने उस शेयर में से 6,000 शेयर, जो दिव्या का 6,000 शेयर था, उसमें से कितने शेयर को री इशू किया हुआ है, 5,000 को, कितने रुपीज में, ₹6 और ₹8 कॉल्ड। ओके, अब क्वेश्चन में है, सो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे एंड आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहले बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट, ये दो है। अब यहाँ पे देखते हैं किसके लिमिटेड की बात कर रहा है, कामिया लिमिटेड। तो बैलेंस शीट किसका है, ऑफ कामिया लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक, अब कामिया लिमिटेड का स्टार्टेड कब किया हुआ था इसने, 1 अप्रैल 2013 को, तो इसका मतलब एंड कब होगा, 31 मार्च 2013 को। इन्होंने स्टार्टिंग हुआ 1 अप्रैल 2012, तो एंड कब होगी, 31 मार्च 2013 को। ठीक है, तो एज एट 31 मार्च 2013। ओके, अब आते हैं, ये तो बैलेंस शीट का हो गया, कामिया लिमिटेड का एज एट 31 मार्च 2013। अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी ऑथराइज कैपिटल कितनी है उसकी, 40 लाख है, जो डिवाइडेड कितने शेयर पे है, 4 लाख शेयर पे है। ठीक है, तो अब आते हैं, तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में पहला क्या हेड आता है, ऑथराइज कैपिटल। ओके, ऑथराइज कैपिटल की कंडीशन में क्या है कि कंपनी के पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी कंपनी के पास 4 लाख शेयर हैं, जो एक शेयर के प्राइस कितने की है, 10 पीसीज की। ये क्या हो गया इनकी ऑथराइज कैपिटल। यहां पे हम लोगों ने लिखा 40 लाख। ओके, डबल लाइन से क्लोज, एंड ऑफ। अब क्या है, कंपनी ने ऑफर कितना किया पब्लिक में, यानी इशू करने के लिए कंपनी ने पब्लिक में ऑफर कितना किया, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कंपनी ने ऑफर किया, 3,80,000 शेयर का ऑफर किया है, जो ₹10 ईच का है। यानी इशूड कैपिटल में, इशूड कैपिटल में कितनी शेयर हो गई, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स
of rupees 10 each. यहाँ पे कितने का हो गया 38 lakh. ओके, ये कंपनी के पास इशूड कैपिटल है. ठीक, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट है, एक है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में वो आते हैं जितना कंपनी पूरे का पूरा कॉल्ड अप कर लिया था. लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दो टाइप की चीज आती है. अगर कंपनी ने पूरे का पूरा शेयर कॉल नहीं किया है तब भी किसमें आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में. अगर कोई कॉलिंग एरिया से तब की कंडीशन में कहां पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में. ओके, कंपनी का एक शेयर यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट ईयर में कितना कॉल किया हुआ, 8 rupees पर शेयर आउट ऑफ 10. एनी डाउट? अब देखते हैं कि कंपनी के सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर का है. तो एक रफली एग्जांपल लेते हैं कि सब कंपनी ने यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव कितना किया, 3,60,000. कंपनी कह रही कि एक शेयर होल्डर है जिसका जो दिव्या है जिसके पास 6,000 शेयर था, कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर ली, फॉरफिट कर ली. यानी 6,000 शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया. आफ्टर फॉरफिट कंपनी के पास कितना शेयर था, 3,54,000. ओके, अब कंपनी फॉरफिट करने के बाद कह रही कि उसमें से आउट ऑफ 6,000 में से कितने को रे चुकी है कंपनी, 5,000. तो कितने को और इशू कर दिया, 5,000. यानी कंपनी ने टोटल अभी तक कितने शेयर को इशू किया हुआ, 3,59,000. ओके, कंपनी का जो कितना शेयर, 3,59,000 है. एंड आउट. अब यहां पे देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं. फिर से बात करते हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशन है 3,60,000, 6,000 दिव्या का शेयर को फॉरफिट किया और उसमें के बाद फॉरफिट करने के बाद कंपनी के पास था 3,54,000 और उसमें से आउट ऑफ 6,000 में से कितने शेयर को इशू कर दी, 5,000. यानी कंपनी का टोटल इशू किए हुए शेयर कितने हैं, 3,59,000. ओके, अब यहाँ पे है कितने शेयर को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है. यहाँ पे देखिए 3,59,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. शेयर तो 10 रुपीस ईच का है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने कितना कॉल किया, रुपीस 8 कॉल्ड ऑफ. ठीक है, यानी 3,59,000 इंटू 8 के हिसाब से कंपनी ने कॉल किया है. कितना टोटल अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 28,72,000. यहाँ लिखा 28,72,000. अब क्या होती है, इसमें एक शेयर होल्डर है दीप्ति जिसने होल्ड किया हुआ था कितने शेयर को, 3,000 शेयर को, जिसने पैसा पेमेंट नहीं किया. यानी वो क्या हो गया, वो कॉलिंग एरियस. तो कॉलिंग एरियस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो लेस कॉस इन एरियस कितने शेयर पे है, 3,000 × 2 कितना नहीं आया था यहाँ पे, 6,000. ओके, 6,000 को तो आया नहीं, तो कंपनी को रिसीव कितना हुआ, 28,72,000 में से 6,000 नहीं आया तो कंपनी को रिसीव कितना हुआ, 28,66,000. एंड ऑफ. इतना क्लियर. अब कंपनी ने फॉरफिट की भी थी, कंपनी जब फॉरफिट किया हुआ है तो कंपनी ने जब फॉरफिट किया हुआ तो उसमें से रीस भी किया है. तो एक इसका भी रफली देख लेते हैं. कंपनी ने फॉरफिट किया था किसका शेयर, किसका क्या था, दिव्या का. कितने शेयर थे उसके, 6,000. उसने क्या नहीं दिया था, 8 rupees में से क्या नहीं दिया था उसने, फर्स्ट कॉल 2 rupees का. तो उसने पेमेंट कितना किया, 6,000 × 6 के हिसाब से पेमेंट कितना किया था, 36,000. ओके, इतना क्लियर. अब कंपनी ने कितने शेयर इशू कर चुकी है,
5000 को, ठीक। और जब 5000 शेयर को जब रीइश्यू कर चुकी है तो 5000 के बाद बचा कितना शेयर? 1000। तो यहां पे आया, यानी 1000 शेयर पे कंपनी को फॉरफेट की अमाउंट कितनी मिली है? 6000। यानी कंपनी के पास फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है अभी कंपनी के पास? 6000। ओके, ये अमाउंट क्या है कंपनी के पास? फॉरफिटेड है 6000, क्योंकि अभी कंपनी ने अभी तक ऑफर नहीं किया है। कहां ने किया? पब्लिक में। ओके, तब यहां पे क्या करते हैं? ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स कितना आया कंपनी का? इसको ऐड करते हैं, ये आया कितना? कितने शेयर पे है? 1000 × 6, यानी 1000 × 6 फॉरफिट के अमाउंट कितनी है? 6000। ओके, तो कंपनी का ये जो पूरा अमाउंट आई यहां पे कितना आ गया? फिर भाई 28,72,000। ओके, अब तो आ गई, ये तो आ गया। अब कंपनी ने ये तो 28,72,000 आ गए। अब एक चीज और देखना है कि कंपनी ने अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड कौन सा आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकेंड हेडिंग उन्होंने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आती है? जो कैपिटल रिजर्व आती है, कैपिटल रिजर्व, ठीक। अब कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं, तब देखते हैं कंपनी ने 5000 शेयर को इशू किया हुआ है। 5000 शेयर को इशू किया कितने में? 6 रुपीज में। तो कंपनी का 8 रुपीज में से 6 रुपीज इशू किया हुआ है, तो कंपनी को लॉस कितने का हो गया? यानी 5000 × 2 रुपीज का लॉस है। यानी कंपनी ने कितना यूज कर चुकी है? 10000। आफ्टर 10000 के बाद कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व में कितना हो गया? 20,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में उन्होंने क्या लिखा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने से आ गया? 5000 × कितने रुपीज का प्लस है? सरप्लस है 4 रुपीज से। ये आ गई आपकी कितनी? 20,000। ओके, अब यही अमाउंट को शो करेंगे कहां पे? बैलेंस शीट में। और यहां पे हम इसको ला देते हैं रफ वर्क था। ओके, अब देखते हैं अब शेयर कैपिटल में अब बैलेंस शीट में शो कैसे होगा इसका। यानी शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 के हिसाब से कितना आया था? 28,72,000। तो करंट ईयर में लिखा 28,72,000। रिजर्व सरप्लस किस नंबर पे है? नंबर 2 पे है। कितने का है यहाँ पे रिजर्व सरप्लस? 20,000। रिजर्व सरप्लस में कौन सा आया था? कैपिटल रिजर्व। ओके, अब इसके बाद ये तो हमारे हो गए बैलेंस शीट में एंड ऑफ। अब इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे वो क्या? इशू ऑफ शेयर और कैश में के बेसिस में कंपनी शेयर इशू कैसे करती है और किस किस बेसिस पे करती है। ओके, थैंक यू।